मेरे सब बसी बोर थले काली कार बैठे कार विच मेरे चुनवे जे यार रोज करता अखा दा सिरा उत्ते करे जब जे आओ बोर वांगू जदा मुंद डूंगी अंगड़े लोका पा दिए वे पिंगे बोले घूमदे मिंटो मिंट पट ना तू हस बलिए केड़ा करदा है तंग मैनू दस बलिए साडे मैटर च आउंदी ना प्लस बलिए करदा है तंग केड़ा दस बलिए जट गैंग नी बनाउंदे गैंगा रन कर दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज आपके सामने जो मैं कार लेके आया हूँ वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छी तरीके से वेल मेंटेन और अच्छी तरीके से वेल मॉडिफाइड है। साउंड क्वालिटी भी मैं आपको सुनाऊंगा, पहले आपको आउटर लुक दिखा देता हूँ, क्या क्या काम हुआ उसके बारे में ओनर से बात करेंगे, लेकिन एक अच्छा खासा व्यू देता हूँ मैं आपको, वॉक अराउंड व्यू कि किस तरह से मेंटेन है, क्या क्या काम है। आप देख ही पा रहे होंगे पूरी गाड़ी कितनी अच्छी तरीके से मॉडिफाइड है, हर जगह से स्टिकर से लेके स्पॉइलर है, बैक में डिफ्यूज़र लगा हुआ है, एग्जॉस्ट डुअल ट्रिपल एग्जॉस्ट भी है और साउंड सिस्टम भी गाड़ी का बहुत अच्छा है, एम्बिएंट लाइटिंग भी है। इसके बारे में क्या खर्चा आया है, क्या क्या हुआ है, हम ओनर से बात करेंगे और टोटल इन्होंने कितना स्पेंड कर दिया इस बारे में भी बात करेंगे, फिर आपको इसकी साउंड भी सुनवाएंगे किस तरह की है। हेलो विक्की जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, ये ओनर हैं इस कार के, ये आप हमें डिटेल में बताएंगे इन्होंने क्या क्या स्पेंड किया, टोटल कितना खर्चा कर दिया। पहले बाहर से बताते हैं क्या क्या चेंजें इन्होंने चेंज कराई हुई हैं। वैसे बहुत कुछ चेंज है, फिर भी कोशिश करेंगे सारा कवर कर सकें। शुरुआत फ्रंट से कर लेते हैं कि क्या क्या चेंज है, बताइए जी। ये कस्टम का काम कराया मैंने इसमें। हाँ, ये तो जो का पूरा चेंज है। हाँ, ये पूरा चेंज है, कस्टम का काम कराया मैंने गुड़गांव से जी, शौकीन भाई के यहाँ से। अच्छा जी। तो यहाँ पे दो दिन गाड़ी खड़ी रही थी वहाँ पर ये जी, उसके बाद मैं तीन दिन बाद से गाड़ी को लेकर आया था वहाँ से। मतलब काफी अच्छा काम है, मतलब फिनिशिंग भी अगर आएंगे तो बहुत अच्छी खासी फिनिशिंग है, ऐसी वैसी नीची वाली फीलिंग नहीं है जी। और उसके बाद करोल बाग गए थे हम जी, वहाँ से करोल बाग में फिर यहाँ ज्यादा लाइटें करवाई है इसमें जी जी। हाँ, इसमें डीजल आती नहीं थी, ठीक है। इवन जो फॉग लैंप भी वो भी प्रोजेक्टेड में है। हाँ, ये प्रोजेक्टर डलवाए हैं और वहीं से हमने फिर इसके अंदर ये स्पीडर डलवाया है। ये सेफ्टी या बम्पर आपका सेफ हो जाता है, लुक चेंज करने के लिए लुक बहुत अलग आता है इनकी वजह से। और फिर आ जाइए वहीं पर। इसके बाद अपने अलॉय कितने कितने इंच के लाए? अलॉय फिर मैंने इसमें 16 इंच के अलॉय डलाए हैं। 16 इंच के अलॉय डलाए हैं इसके अंदर जी। पहले इसके अंदर 17 इंच के अलॉय डले हुए थे जी, वो बॉडी से टच होते थे तो थोड़ा सा थोड़ी दिक्कत होती थी। दिक्कत होती थी, अगर बंदे बैठ जाते थे तो बॉडी पे टच होता था वो, अगर ज्यादा बंदे हैं। हाँ जी, इस वजह से भी 16 इंच के डलाए। नहीं, कंफर्टेबल होने चाहिए, पर राइड करो जो इंसान चलाता है उसे दिक्कत होती है। स्टार ही पसंद है भाई। नहीं, स्टार व्हील्स का ना लुक अलग है, आप बहुत तरह की वैरायटी आ गई, लेकिन जो कह ना वायरल जो हुए हैं वो स्टार व्हील्स हुए हैं उसमें। हाँ जी, और हमारे गौरव भाई स्टार। अरे अरे बस जी बस जी बस जी। और कुछ इन्होंने ग्राफिक्स कराई हुई हैं, थोड़ी बेसिक सी हैं, कुछ ज्यादा वैसे नहीं है, लेकिन एक जेन्युइन जो होनी भी चाहिए क्योंकि काम हुआ है गाड़ी पे, देखना भी चाहिए। अलग होने के बाद इन्होंने जो कर्टन्स लगाए हुए हैं अलग तरह के हैं, मतलब कि टिंटेड नहीं कराएं क्योंकि उनका डेली का काम है, डेली का आना जाना पड़ता है, तो रिस्क ना लेते हुए वो काम किया हुआ है, ठीक है। ये भी आपका जो कौन सा मॉडल है वैसे, ये टॉप एंड वेरिएंट है? ये 2017 मॉडल है। 2017 मॉडल है। और वैसे कौन सा मॉडल है ये? VXi LXi में से? ये LXi LXi वेरिएंट है। तो ये मेरे भी आपने अलग साइड से लगवाए हैं। हां जी, हां जी, मैंने करोल बाग से कराए हैं जी अलग से। पहले इसमें रेड कलर का मिरर था। हां, आपने थोड़ा डिफरेंट कर दिया, मैं देख रहा था क्योंकि अलग लग रहा है, ये कंट्रास्ट में करा दिया है थोड़ा। बढ़िया बढ़िया, लुक भी अलग आ रही है, लुक अलग आ जी जी। पीछे आएंगे, पीछे बताते हैं एक बार पीछे भी क्या क्या काम करा। इन्होंने जो प्रोटेक्टर भी लगवाए हुए हैं, बम्पर प्रोटेक्टर भी लगे हुए हैं, सेफ्टी हो जाती है इनसे थोड़ी सी, अगर लगती बिगड़ तो बच जाती है। जी जी, बड़ा लग रहा है, नीचे डिफ्यूजर लगा हुआ है, कैमरा वगैरह भी वहीं पे लगवाया था। चलिए चलिए, अब अंदर बैठ जाते हैं, अंदर बैठ के लाइट के, ये जो लाइट है ये बैक जी, स्मोक, ये बैक स्मोक कराई हुई है। जो फ्रंट लाइट है उनमें जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है वो भी डेमन आई वाला लगा हुआ है इन्होंने। ये जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है डेमन आई वाला, रेड कलर की फिलिंग देता है। इसकी लुक मैं आपको बता दूंगा, 6 RGB लगी हुई है, ये अच्छा है कि आप रेड रखा हुआ है। और आएंगे तो अगर हमारे वाली लाइटें वाली जो पहले लगती थी। हाँ जी, हाँ जी, गाड़ी में बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत डिटेल्ड अच्छे तरीके से, इवन डे टाइम लाइट भी लगे हुए हैं, डायल्स भी लगे हुए हैं। गाड़ी पूरी अच्छी तरीके से मेंटेन की है विक्की भाई ने, मतलब कि जितना पैसा लगाना चाहिए उतना ही पैसा लगाया है, और अच्छी तरह से कहो ना कराने के बाद उसे मेंटेन रखना। मॉडल आप देखिए, 17 मॉडल है,
कितनी पुराना मॉडल हो गया, लेकिन उसके बाद भी अच्छी तरह मेंटेन की हुई है। पैसा लगाता है तो इंसान मेंटेन रखता भी है। आपको अब अंदर से दिखा देता हूँ क्या क्या चेंज कराया, पर उससे पहले मैं इसका जो ये नहीं सिर्फ बाहर बाहर से काम है, साउंड सिस्टम में भी काम कराया हुआ है। मैं इसका आपको बूट दिखा देता हूँ, बूट में क्या काम हुआ है। विकी जर एक बार बूट ओपन करना है इसका, क्या देखते हैं। स्पेस वाइज जाओगे तो ऑलमोस्ट स्पेस नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा थैला रखने की जगह बची हुई है। पूरी की पूरी पेटी रखवाई हुई है भाई इन्होंने, पूरा साउंड सिस्टम ऐसा है। इवन टायर कहाँ है इसका, स्पेयर टायर नहीं, स्पेयर टायर ही नहीं रखा हुआ भाई, स्पेयर ही नहीं रखा हुआ। ओह ये है शोक, देख रहे हो सिस्टम से कंप्रोमाइज नहीं है, बस साउंड से कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। चाहे टायर कोई बात नहीं, पिंचर चला लूंगा गाड़ी को, लेकिन ओ भाई ओ भाई, तो साउंड देखो भाई, देखो चार ठीक है, उसके बाद ये इतनी बड़ी काफी, कितने उसकी है ये भैया, ये तो इसका मुझे अंदाजा नहीं, फिर भी रफली याद होगा। हम आपको अंदर बताएंगे इन्होंने अंदर भी कितना काम कराया, मतलब ये सिर्फ बाहर बाहर का इंटरव्यू दिखाया था मैंने, इन्होंने सिस्टम में क्या क्या पार्ट चेंज कराए हुए हैं। एम्बेड लाइटिंग भी है, इवन प्रोजेक्टेड लाइटिंग भी है, वो भी दिखाऊंगा कि स्विफ्ट का लोगो प्रोजेक्ट करती है। अभी दिन में दिख नहीं पाएगी, लेकिन मैं बताऊंगा कहाँ पे लगी हुई है, प्रॉपर दिखाऊंगा। जो एग्जॉस्ट टिप की साउंड है ना, वो भी चेंज है, आपको एग्जॉस्ट के करके बताऊंगा किस तरह से काम हुआ है। ठीक है, आपको मैं इसकी साउंड सुना, बहुत ज्यादा मुझे लगता था जो मैंने पहले वीडियो शूट करी है उसके बराबर साउंड होगी इसमें, और बेस इतना सही बेस है, कहीं से भी फील नहीं हो रहा आपको। बहुत ज्यादा सब बेहतरीन साउंड आ रही है गाड़ी में, बेहतरीन। ये हमारे छोटे ड्राइवर हैं, इन्हें बहुत शौक गाने चलाने का, यही गाने चला रहे हैं जब से। और साउंड वाइज जाओगे तो गाड़ी में इतना साउंड है कि अगर आपको नाचना है ना तो किसी डीजे की जरूरत नहीं है, बहुत मोर देन सफिशिएंट साउंड है। काम भी बहुत अच्छा हुआ है, मैं आपको अब अंदर बैठ के बताऊंगा डिटेल में उन्होंने क्या क्या चेंज कराया हुआ और क्या क्या पार्ट चेंजेस हैं। बहुत काम कराया हुआ है, ये लगे हुए नॉर्मल चीजें हैं, बट ये देखो ये इजिली देखने के लिए मिलता, कोई इसे क्रोम नहीं करा था, फुल क्रोम्ड है ये वाला हिस्सा भी। मेरा फेस भी अच्छी खासा क्लियर आ रहा है, जो कि इतना सुंदर नहीं हो बात अलग है, लेकिन आप देख सकते हैं प्रॉपर गाड़ी, प्रॉपर गाड़ी, मेंटेन्ड, वेल मेंटेन्ड, और मजा ही आ गया वीडियो शूट कर। रेयर सीट पे बैठा हूँ और लुक अंदर से गाड़ी कुछ इस तरह की है, एम्बेड लाइटिंग लगी हुई है, ये भी चेंजेबल कलर भी नहीं, ये एंड्रो सिस्टम लगाया हुआ है, इंटीरियर बनाया हुआ है सारा टोटल। और ये क्या है, ये लाइटें हैं ऊपर, अगर चाहो तो अच्छा ऊपर छत के लिए, छत के लिए लाइट है रेड कलर। भाई साहब बताइए, वो आती है ना वो रोल्स रॉयस वाली फील, तो वो भी ले सकते हो आप। अंदर भी अच्छा खासा लाइटिंग काम हुआ है, इसके अलावा जो लोगो प्रोजेक्ट करते हैं ना वो भी लगे हुए हैं। लाइट ऑन करना एक बार नीचे, यहाँ की आपको दिखा देता हूँ। अच्छा गेट खुलने के बाद है वो, अरे भाई वाह, कलर कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो अंदर से गाड़ी। काम ये नहीं सिर्फ बाहर बाहर कराया हुआ, अंदर भी काफी अच्छा काम कराया हुआ है, देख के पता लग रहा हूँ। अभी बताइए कि आपका जो साउंड सिस्टम है वो कितना कॉस्ट करता होगा। साउंड सिस्टम भैया करीबन 55 के करीब का है, 55,000 रुपए। मेरे पे ऑन बिल है इनके सबके। अच्छा 55,000 रुपए आप उनमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, सिर्फ कर चुका हूँ मैं साउंड में। अदरवाइज भी इन पे कॉप्स लाइट भी लगी हुई है, लाइटें लगी हुई है, ये भी सब करोल बाग का माल है। नहीं करोल मत, मेन तो क्या, अगर आपको मॉडिफिकेशन करानी है तो करोल बाग ऑप्शन बचता है, और ऑप्शन भी नहीं बचता है। और अगर बताऊं, अगर वैसे साउंड सिस्टम है तो पीछे तो बेस ट्यूब हो गई और उसके ऊपर कंपोनेंट लगे हुए हैं। आगे आपने क्यूट क्यूट से ट्यूटर लगवाए, इनके बारे में बताएंगे कितना कॉस्ट करते होंगे। ये भी कॉस्ट, ये भैया ये ट्यूटर है 4200 रुपए में, 4200 रुपए के अवतार के कंपोनेंट। अच्छा अवतार कंपोनेंट है। हाँ जी हाँ जी, अवतार के लगे हुए हैं, पीछे रॉकफोर्ड के लगे हुए, ये पीछे वाले रॉकफोर्ड के हैं। हाँ जी, आगे वाले उसके हैं। साउंड बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, बेस अगर मैं कंपेयर करूँ वरुण वाली स्विफ्ट से, बेस हल्का सा माइनर कम होगा लेकिन साउंड बहुत ज्यादा है, मोर देन सफिशिएंट, मतलब कि सुन भी नहीं पाऊंगा मैं, इतनी साउंड थी। अगर कभी मौका लगेगा तो दोनों को साउंड बजा के देखना है किसमें ज्यादा चल रहा है, किस दिन कंपैरिजन कराना पड़ेगा, क्योंकि ये स्विफ्ट आ गई है दूसरी मोदी नगर में, अगर कह जाए तो पहले थी वो बाद में आई है, इसकी वीडियो लेट बन रही है। हाँ जी, हाँ जी। और ये ज्यादा अच्छे तरीके से मॉडिफिकेशन में आसपास के नहीं, कोई नहीं है इतनी अच्छा मोड्स नहीं है मोदी नगर में, कोई ऐसी स्विफ्ट नहीं है जिसने अच्छा मोड्स कराया हुआ आसपास के, इसमें नहीं है। छत की पूरी वो चेंज कराई हुई है, अंदर से पूरी गाड़ी का इंटीरियर पूरा ब्लैक करा दिया, कहीं पे व्हाइट नहीं है, ये छोड़े हुए हैं और आगे छोड़ा ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे देखने के लिए। मुझे प्यारी चीज ये लगी कि इन्होंने यहाँ पे ये लगवाया हुआ है ताकि रूफ पे आप कलर लाइट कर सकें। आपको मैं इसका ये भी दिखा देता हूँ कि इन्होंने जो जो लाइट पड़ती है ना नीचे वो किस तरीके से पड़ती है करेगा, लेकिन अगर आप देख पाए तो लोगो शो करता है। हाँ ये लोगो शो करता है सुजुकी का, अगर आप हाथ पे देख पा रहे हो मेरे पे दिख नहीं रहा होगा, बढ़िया दिन में नहीं देख पाया मैं, आपको फिर इसकी वीडियो दिखा दूंगा रात को भी, इट्स नॉट अ इशू, बट वेल मेंटेन कार की हुई है इसके। चलो साउंड सिस्टम पे विकेश भी आपने बताया, इसमें खर्च बताया आपने 55,000 रुपए, और वैसे बताएं अगर
टोटल कितना खर्च कर दिया आपने? सवा दो के करीब लगे हुए। सवा दो लाख रुपए? हाँ जी। बाहर का मॉडिफिकेशन है सारा इसमें? भैया 30,000 रुपए की DRL लाइट है इसके, प्रोजेक्टर नहीं होंगे, DRL होंगे प्रोजेक्टर के साथ पक्का, इतनी कोशिश कर ली होगी सच में। DRL प्रोजेक्टर 30,000 रुपए जी, 40,000 के अलॉय टायर है इसके, होंगे बिल्कुल। तो इस चीज का तो बहुत फर्क पड़ जाता है। काम करा रखा है भैया 10,500 रुपए का। नहीं, इंटीरियर का काम है, सीट्स के देख रहे हैं यार, अच्छी क्वालिटी के कवर्स हैं और कंफर्टेबल है, मैं पीछे बैठा हुआ था, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और इसके अलावा एम्बेड लाइटिंग लगी हुई है, भाई ने बताया। इनका खर्चा जो मैक्सिमम जो आता है वो 6,500 या 7,000, और कुछ ज्यादा वैसे कराएगा अभी तो फिक्स रेट है, मतलब हर कहीं भी लगवा लो ऑलमोस्ट सेम रेट मिलता है। हमारा चीता है जी जानकर, ये लगा हुआ है इन्होंने, अपना जैगुआर बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। गाड़ी एक होता है ना, बाहर से मेंटेन नहीं है, अंदर से भी बहुत ज्यादा मेंटेन की हुई है गाड़ी को। और अगर एक्सपेंस की बताएं तो 2 से 2.5 लाख रुपए भाई ने स्पेंड किए हुए हैं सिर्फ कार में, ठीक है। और इतना पुराना मॉडल होने के बाद भी वेल मेंटेन्ड, कोई रखता नहीं है, नए वाले सिर्फ स्विच कर देता है, इंसान सोचेगा 2.5 लाख रुपए लगाकर इतने बंद स्विच कर देता है, लेकिन गाड़ी देखो आपको बाहर से दिखाता हूँ, बहुत ही ज्यादा वेल मेंटेन्ड, इतनी प्यारी लग रही है, मतलब ये मन करा मेरा, मैंने रोका, मैं जानता नहीं था ये जगह गाड़ी जगह, मैंने रोका भाई मुझे गाड़ी शूट करनी है, तभी इनसे बात हो पाई है और तब इन्होंने काम कराया। गाड़ी वेल मेंटेन्ड है और बहुत अच्छी तरह से मॉडिफिकेशन कराई हुई है। दोस्तों कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो विक्की भाई का मैं कमेंट्स में डाल दूंगा आपका लिंक इनका, आप इनसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।